कांग्रेस से भाजपा में गए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी पागल हाथी हैं। आगे बोले कि राहुल गांधी दिशाहीन हैं और वे अपने ही लोगों को कुचलते जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि उन्हें न देश का इतिहास पता है न ही परिवार की विरासत। वे उन लोगों को ही साइडलाइन कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया है। पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोगों ने कांग्रेस छोड़ी उनकी बड़ी वजह राहुल गांधी है। सब जानते हैं कि कांग्रेस में बिग ब्रदर कौन है। सच तो यह है कि बिग बॉस वाला चलन है, जो कह दिया वह मानना पड़ेगा। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला था। हरियाणा में कांग्रेस की हार की उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते तो हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का काम किया है।